के साथ हमारी सेवा करें, लेकिन अगर हम स्वयं ईमानदारी से वोट नहीं देंगे, स्वयं जाति धर्म भाषा क्षेत्रीयता के ऊपर उसका वोट नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा अधिकार सीमित होगा, कहीं ना कहीं हमारी नैतिकता में कमी होगी, नैतिक बल में कमी होगी, और हम सरकार से वो अपेक्षा नहीं कर पाएंगे जो अपेक्षा सही मतदान करके कर सकते हैं। ये हम सबके लिए बहुत ही गंभीर बात है कि मतदाता के रूप में हम कितनी ईमानदारी से, कितनी निष्पक्षता से और इन सब संकीर्ण बातों से ऊपर उठ करके केवल जो उम्मीदवार है उसकी योग्यता के आधार पर, उसकी ईमानदारी के आधार पर हम उसको वोट करते हैं। मैं विशेष रूप से इस अवसर पर आज जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसके लिए निर्वाचन विभाग का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और शिक्षा विभाग की ओर से भी और NSS की ओर से भी जो बच्चे बच्चियों में आज उत्साह देखा गया है, मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि अगर हमारे छात्र छात्राएं, हमारे नवयुवक अगर मतदान के प्रति और लोकतंत्र के प्रति सजग हो गए तो हमारे देश को सबसे बेहतरीन विश्व का देश बनने से कोई रोक नहीं सकता है, सबसे बेहतरीन लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं अंत में जिन अधिकारियों ने, जिन कर्मचारियों ने मतदान को सफल बनाने के लिए, मतदाताओं को पंजीकृत करने के लिए और इस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपना सहयोग दिया है और आज माननीय राज्यपाल महोदया के करकमलों से जिनको पुरस्कृत किया गया है उनको अपनी विशेष बधाई देता हूँ, और जो मेरे बाकी अधिकारी हैं पूरे प्रदेश में उनसे आग्रह करता हूँ, उनसे अपेक्षा करता हूँ कि अगले वर्ष ऐसा काम करके दिखाएं कि माननीय राज्यपाल के महोदय के कार्यक्रमों से उन्हें भी पुरस्कार करने का, प्राप्त करने का मौका मिले। इसके लिए मैं उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं एक बार पुनः माननीय राज्यपाल महोदया के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए दिया, और आप सभी को बहुत बहुत आभार देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, जोश है, अच्छी बात है, लेकिन होश भी होना चाहिए। जब कोई वक्ता यहाँ पर बोल रहा है तो आपसी बातचीत करना उचित नहीं। हमें ये सजगता हमेशा रखनी है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। मैं आप सब से निवेदन करूँगी कि यहाँ पर जितने भी लोग अपना उद्बोधन दें, आप सब सारी गतिविधियाँ रोक देंगे। अभी आप जहाँ पर भी हैं वहीं पर रहेंगे और आपस में कोई बातचीत न करें। एक गरिमा होती है और आप उसका ध्यान रखेंगे।